यहाँ पत्नीटॉप में आपको कैसा आनंद आ रहा है, मतलब किस तरह का एंजॉय कर रहे हैं आप? आनंद तो काफ़ी आ रहा है जी। और यहाँ का वातावरण कैसा है आप? वातावरण तो बहुत अच्छा है जी। आप कहाँ से आए हैं? हम यहाँ पे लोकली हैं। लोकली हैं, चलो तो ये लोकल है तो आप तो बता सकते हैं यहाँ पर स्नोफॉल कब से पड़ रही है? स्नोफॉल तो काफ़ी देर हो गई, पिछले लास्ट वीक से तो कंटिन्यू स्नोफॉल होती जा रही है। और यहाँ पर जो पर्यटक लोग हैं, जो टूरिस्ट लोग हैं, वो काफ़ी यहाँ पर भीड़ लग रही है या ऐसी ही है? नहीं ठीक है, वैसे तो नॉर्मल है, ना ज़्यादा भीड़ है ना, मतलब नॉर्मल इशू कह सकते हैं जी। इसमें कह सकते हैं मौसम की वजह से वो नहीं आ रहे होंगे? मौसम की वजह से तो नज़ारे हैं आप? नहीं नहीं, ये बोल रहा हूँ मतलब लैंडस्लाइड हुआ है ना वहाँ पर? बिल्कुल लैंडस्लाइड तो हुआ ही आधे रास्ते में जी। आपकी प्रतिक्रिया के धन्यवाद। ओके थैंक यू जी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, बहुत अच्छी स्नोफॉल हुई है, वी आर एंजॉयिंग जी। यहाँ का वातावरण कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी ठंडा है, काफ़ी अच्छा है, अमेजिंग, इट्स रियली। चलो आपकी प्रतिक्रिया जी। ये YouTube पे क्या? जी हाँ जी। यहाँ पर पत्नीटॉप में आपको आकर कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बड़ी बर्फ़ पड़ी हुई है, बहुत एंजॉयमेंट कर रहे हैं जी। आप यहाँ ही के लोकल हो? पंजाब का रहने वाला हूँ। पंजाब का रहना है, तभी आपका मतलब लैंग्वेज से थोड़ा मुझे लगा कि जम्मू कश्मीर से। तो आप कौन कौन आए हो? मतलब मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है जी। वो ही जी, आप पूछ सकते हैं उनसे कुछ? हाँ, पूछ सकते। चलो आइए आप भी भाई। आप यहाँ यहाँ के बारे में आप आइए साथ में, यहाँ के बारे में कुछ एक्सप्लोर करिए, मतलब पत्नीटॉप के बारे में। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। तो यहाँ पर मतलब एटमॉस्फेयर कैसा है यहाँ का, मतलब वातावरण? अच्छा लगा, हम पंजाब से आए ना, इधर अच्छा लगा है जी। ऐसे मतलब कश्मीर जैसा लग रहा है यहाँ पर, जैसे कनाडा आगे ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ, ऐसा फील हो रहा है जी। आपकी बच्ची वही नन्ही बच्ची? हाँ, ये देखिए, ये देखिए फोटो, इधर आओ, ये देखिए नन्ही बच्ची ठंड में घूम रहे हैं, देख सकते हैं आप। कुछ कहना चाहेंगे आप? चलो देखिए कितनी नन्ही प्यारी बच्ची है। चलो धन्यवाद आपका प्रतिक्रिया देने के लिए। स्थान के बारे में क्या लगाया हो? 20-50 30 का है? 30 का लगाया है। नमस्कार भाई, जैसे यहाँ पत्नी का आप लोकली तो हो, मतलब क्या कराती है, क्या है बता सकते? स्नो राइडिंग होती है, लकड़ी वाली गाड़ी जी। तो यहाँ कितने दिन से स्नो फॉल हो रही है? यहाँ से हफ्ता भर हो गया भाई, हफ्ता हो गया। जो सैलानी लोग आते हैं, मतलब जो टूरिस्ट लोग आते हैं, वो मतलब कितने देर रुकते हैं यहाँ पर, ठहरते हैं, गुजारा करते हैं, फिर जाते हैं? भाई 1-2 घंटा तक ही रुक सकते हैं, बाकी ज़्यादा देर नहीं रहा। तो यहाँ का जो वातावरण है वो कितना ठंडा है बता सकते हैं आपको? माइनस कितना चला? माइनस में 4-5, 2-3 भी चला जाता है। मतलब कभी 14 डिग्री हुआ है, मतलब जो माइनस रात में? माइनस हो जाता है, माइनस हो जाता है, फुल माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर भीड़ लगे होते पर्यटकों की या मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत होते हैं यहाँ जी? यहाँ जो सैलानी लोग होते हैं, जो बाहर घूमने के आते हैं तो यहाँ पत्नीटॉप में, यहाँ भीड़ लगे होते हैं या ऐसी ही है? बोल रहा हूँ भीड़ तो होती है सर जी। हाँ भीड़ होती है जी। ये जो सर्दी के मौसम में है, वो आपका गुजारा मुश्किल से होता है या ऐसे ठीक होता है? ठीक हो जाता है, सर्दी के मौसम में ठीक हो जाता है, 2-4 महीने 2 महीने जो होता है ठीक होता है जी। सॉरी, वो आपका जो कमाई होता है तो 2 ही महीने स्लाइडिंग कर लेंगे, उसके बाद फिर गर्मी के सीजन में बर्फ बर्फ नहीं होती है? मई जून में स्लाइडिंग बड़े आते हैं हमारे पास, काफ़ी आते हैं जी घूमने के लिए। इधर पार्क है, गार्डन वगैरह है, नेक्सना सर है जी। जी धन्यवाद आपके। आप कहाँ से आए पहले बताइए? हम जयपुर से हैं सर। जयपुर से आए, पहली बार है या और आ चुके हैं? नहीं, कई बार आ चुके हैं जी। तो फैमिली है पूरा? पूरा फैमिली है जी। तो यहाँ का वातावरण आपको कैसा लग रहा है? यहाँ का वातावरण हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ये वातावरण इतना अच्छा है कि हम चौथी बार यहाँ आ चुके हैं जी। तो आप अगर दूसरे आपके दोस्तों को क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से? कि देखो, अगर उनका ठंड वाले माहौल में जाना है, वो सोच रहे हैं लोग ले जाना है, लद्दाख जाना है, इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। पत्नीटॉप का व्यू इतना अच्छा है कि आप यहाँ आके कश्मीर को भूल जाओ जी। क्योंकि बजट के जितना बजट है उसमें हो जाएगा, थोड़ा बजट में मतलब कम बजट में भी हो जाएगा, कम दूरी में भी हो जाएगा, कम थकान होगी जी। क्योंकि लद्दाख और श्रीनगर जाने की आवश्यकता नहीं है, जब बर्फ ही यहाँ मिल जा रही है तो वहाँ वो ही बर्फ वहाँ मिलेगी, वो ही बर्फ यहाँ मिल जाएगी, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। तो पैसे की बचत भी हो जाता है, पैसे की बचत हो जाएगी, टाइम की बचत हो जाएगी, वो का वही एंजॉय हो जाता है जी। धन्यवाद आपका। यहाँ आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है।
और कभी आए थे पत्नी तो आप? नहीं, पहली बार। अच्छा, यहाँ पर मास्क लगाने के लिए बोल रहे हैं पुलिस वाले? नहीं, वो तो बोल रहा है नहीं बोल रहे हैं, मतलब कंपलसरी है, मतलब जरूरी है मास्क लगाना। जरूरी तो है। हाँ, कुड होना, कुड डांस होना चाहिए, जैसे डुगरों का कुड होता है, कुड डांस होना चाहिए, अच्छी चाहिए, जैसे लोहड़ी की आवाज़ से आते हैं। यहाँ पर एक यहाँ का नृत्य होना चाहिए, है ना? चलो आपका ध्यान। ये आगे पीछे छोड़ने का, ये वो पूरा फायदे से रखते हैं, देखते रहते हैं। हाँ, तो बाकी जो प्राकृतिक बातें उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या करेगा। सही बात, जैसे जाम लग गया तो पानी की गाड़ी नहीं आ पाएगी या खाने पीने का प्रबंध नहीं है, फिर भी होटल में हल्का फल्का होता है। जी हाँ जी जी। और क्या बोलते हैं, यहाँ पर स्नो, जो स्नोफॉल कब से हो रही है यहाँ पर? ये तो बहुत लास्ट हुई है, अभी फरवरी जनवरी में शुरू हुई है। 31 को हुआ है? 31 के बाद हुआ है, तो पहले तो पड़ती थी जहाँ नवंबर से शुरू हो जाती थी। चल अब जैसे दुनिया चालू हो गई, वैसे ऊपर वाला भी हो गया, नहीं तो नवंबर से बर्फ पड़ेगी। अगर पहाड़ों पे बर्फ पड़ेगी तो मैदानों में पानी होगा, पहाड़ों पे बर्फ नहीं पड़ेगी तो मैदानों में पानी नहीं होगा आने वाले टाइम में। और ये सारी वजह किसकी है? जो हम लोग पेड़ काट रहे हैं, बड़े बड़े जमीनों को खोद के टंडल निकाल रहे हैं या जमीन के अंदर बोरिंग कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अच्छा पर्यावरण करें, हर घर में 10 से 20-50 पेड़ लगाओ, जैसे आबो हवा फ्रेश हो जाए, पहाड़ों पे बर्फ रहे, ग्लेशियर बने रहे, ना कि जो मेल्टेड होते रहे। सही बात, तो तभी जाके ये दुनिया बचेगी। और प्रभु का सुमरण जरूर करो जी, क्योंकि हम ही इसके कारण हम ही है जो यहाँ पर स्नोफॉल अभी हो रही, इससे पहले हो सकता था, मतलब अक्टूबर से, नवंबर से शुरू हो जाती है। नवंबर से, नवंबर फर्स्ट से पहले हफ्ते से शुरू हो जाती है। कहीं नहीं कहे तो हमें खुद जिम्मेदारी है इसके लिए कि हम पेड़ काट रहे हैं, तो पेड़ों को बचाना है, नदियों को बचाना है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, जितना हो सके तो पेड़ ही पेड़ लगाना, पेड़ लगाओ और देश बचाओ, देश बचाओ और प्रभु का गुण गाओ, गुण गाओ। हाँ, आपके इस प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता दी, जय माता दी। भाई इतनी ठंड में आइसक्रीम खा रहे हो, मजा आ रहा है? नहीं, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ठंड में आइसक्रीम बेच रहे हो? चलो, कितने साल से बेच रहे हो यहाँ पर आइसक्रीम? बीस की वजह नहीं, अब मैं बोल रहा हूँ आप कितने साल हो गए आपको आइसक्रीम का बेच रहे हो? भैया 20 साल हो गए यहाँ पे आए। गर्मी में भी पर आइसक्रीम बेचते, ठंडी में नहीं चलता है भैया? ये मेरा 12 महीने चलता है। आए भैया ठंड, लेकिन आप कहाँ से आए हो? लखनऊ से, यूपी। पत्नी टॉप में कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तीसरी बार आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अक्सर आता रहता हूँ यहाँ पे जी, और आज तीसरी बार आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये देखिए, अक्सर आता हूँ, पटनी टॉप की फर्स्ट बर्फ है हमारे लोगों के सामने के लिए, ये बहुत हमारे कुछ मित्र हैं, कुछ भतीजे हैं, छोटे भाई हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं तीसरी बार आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बर्फ आ गई है और ये भाई के ऊपर ये बर्फ फूट गई है, काफी इंजॉय कर रहे हैं ना? बिल्कुल इंजॉय, जन्नत है तो यही है, यही जन्नत है। मेरे शहर का नाम है जन्नत है, जन्नत है। बार भी आए थे तो पिछली बार इतनी ठंड थी, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा, यानी कहने का मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा बर्फ गिरी है। आप माहौल देख सकते हैं, आप माहौल दिखाएं भी है इनको, ये देखिए काफ़ी अच्छा है। भैया बता सकते हो यहाँ स्नोफॉल कितने दिन से हुआ है? भैया यहाँ पे हुआ है लगभग 2-3 दिन से, लगातार चले जा रहा है, चालू है 2-3 दिन से। और टूरिस्ट लोग कितने आ रहे हैं? टूरिस्ट लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा नज़ारा भी दे रहे हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह है यहाँ की। और यहाँ के होटल का मतलब बजट कितना है?
इधर का बजट है 5,000 से कब शुरू है 3,000 तक। 3,000 तक मतलब ये जो अभी खड़े हो वहाँ का क्या नाम है? यहाँ का नाम है वीआईपी गार्डन। वीआईपी गार्डन है मतलब आसपास से कौन सा होटल है यहाँ? यहाँ पे सबसे पहले नाम है शीश महल होटल। शीश महल होटल और ये कौन है आपके साथी जो उसको बात कर सकता हूँ क्या? कर सकते हैं भैया। तो कराइए थोड़ा सा बात भैया। तो यहाँ पर कितने दिन से स्लाइड मतलब आपका धंधा चल रहा है स्लाइड को मतलब कितने दिन से काम कर रहे हैं? महीना हो गया मतलब ठंडी का दिन में आपको मतलब अच्छा रोजी रोटी चल जाता है आपको? अच्छा तो मतलब आप बेसिकली मतलब यहीं के हो या मतलब यहीं के हो? तो मतलब काफी आनंद लेते होंगे आप मतलब आपका तो काम मतलब है ना? जैसे मतलब यहाँ का जो तापमान होता है वो नीचे गिर जाता है या मतलब इतना ही रहता है? मतलब इतना ही रहता है। चलो और कुछ बता सकते हैं यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में एक सबसे खूबसूरत जगह है यहाँ की मतलब। अच्छा लोग टूरिस्ट ज्यादा सबसे पहले यहीं पे आते हैं, यहाँ से घूमते हैं, खुश होके जाते हैं, मजे से जाते हैं जी। और यहाँ पर जो नथा टॉप बोलते हैं यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से उसका 10 किलोमीटर दूर है नथा टॉप। तो यहाँ पर जो गाड़ी है जो बसेस है वो जाते ही जाते हैं नथा टॉप? नहीं बस नहीं जा सकते इस वक्त, ज्यादा बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी है, बस चस नहीं जा सकते अगर रास्ता बंद। तो मतलब फौजियों ने मना किया है, पुलिस वालों ने मना किया है? पुलिस वालों मतलब वहाँ जाने के लिए प्रतिबंध लगाए गए? अच्छा बस भाई इतने ही पूछना चाह रहा था आपको क्योंकि आपने यहाँ पर लोकल हो इसीलिए आपको ज़्यादा पता होगा। हमारे वीडियो के माध्यम से बाहर के लोग देखेंगे ना तो पता चलेंगे कि यहाँ क्या है। तो देखते हैं फिर एक बार आपको भाई है कौन है? ये भी भाई है। भाई है मतलब सबका भाई हो या मतलब दोस्त ही समझो कह रहे हैं मतलब? चलो कोई बात नहीं चलो फिर देना चाहते हैं कैसा लग रहा है? नहीं 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 बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। धन्यवाद आपको। कितने दिन से स्नोफॉल हो रहा है मतलब हिमपात हो रहा है? हिमपात कम से कम कोई 15 दिन हो गया। 15 दिन हो गया है मतलब यहाँ पर सैलानी जो आते हैं टूरिस्ट लोग एंजॉय करते हैं किस तरह मतलब? एकदम बढ़िया चल जाता है जी। कैसा लग रहा है भैया आपको यहाँ पत्नीटॉप में आकर? भाई बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा। आप कहाँ से आए हो? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हो, यहाँ पर हिमपात हो रहा है ऊपर से, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आ गया। इस स्थान के लिए आपकी प्रतिक्रिया देने के लिए धन्यवाद। कहाँ पे डलेगी?